प्रदेश भर के विभागों में व्याप्त भ्रष्टाचार को कम करने के लिए लोकायुक्त विभाग द्वारा पूरे प्रदेश में ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। रीवा संभाग में भी लोकायुक्त ने साल भर में अलग अलग कई विभाग में कार्रवाई करते हुए अधिकारी कर्मचारी को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि रीवा संभाग के 7 जिलों में लोकायुक्त विभाग द्वारा की गई कार्रवाई में सर्वाधिक आरोपी राजस्व विभाग के हैं। लोकायुक्त के मुताबिक वर्ष 2023 में रीवा में 40 में से 15, सतना में 17 में से 5, शहडोल में 10, उमरिया में 5 में से 1, सीधी में 13 में से 5, सिंगरौली में 12 में से 3 और अनूपपुर में 1 कार्रवाई राजस्व विभाग के भ्रष्टाचारियों पर की गई। इसी तरह से संभाग भर में पुलिस विभाग के 16 रिश्वतखोर अधिकारी और कर्मचारियों को ट्रैप किया गया। वहीं आय से अधिक संपत्ति पाए जाने के संभाग भर में लोकायुक्त ने 11 मामले दर्ज किए हैं, जिनमें से 4 मामले पुलिस से संबंधित बताए गए हैं। मामले और राजस्व विभाग के प्रकार के मामले सबसे ज्यादा सामने आए, इसमें जो है लोकायुक्त रीवा संभाग के द्वारा जो है 1 जनवरी से आज दिनांक तक अभी तक जो है 2023 में 37 जो है ट्रैप के प्रकरण पंजीबद्ध हुए हैं, 37। इसके अलावा जो है 3 छापे के प्रकरण हैं और पद के दुरुपयोग के 25 प्रकरण हैं। इस प्रकार अभी तक जो है वर्ष 2023 में 65 अपराधों का पंजीयन लोकायुक्त रीवा में किया जाकर विवेचना भी वर्तमान में की जा रही है। ज़्यादातर किस प्रकार के मामले सामने आए हैं? जो पिछले 2 साल से एक ट्रेंड देखा, जितनी हमने कार्रवाई की है लगभग सभी 7 जिलों में कार्रवाई हुई है, उसमें सबसे ज़्यादा जो ट्रैप के प्रकरण